बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पुडिंग डोनट्स के साथ। स्ट्रॉबेरी के डोनट्स हैं, उनसे हम बनाएंगे पुडिंग को। ये कंडेंस मिल्क है मेरे पास, एक कप दूध है, चार अंडे हैं, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस है और 4 से 5 आप डोनट्स ले लें। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अंडों को तोड़ूंगी। इसमें जाएगा वेनिला एसेंस, कंडेंस मिल्क, एक कैन कंडेंस मिल्क का है, एक कप दूध। ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। मिक्सचर हमारा बन गया, अब इसमें मैं डोनट्स डालूंगी। मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी डोनट्स से, बहुत मज़े के होते हैं। राउंड रॉक के डोनट्स हैं इनका, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है। इनको फ्रेश मैं कल लाई थी और इसमें को फ्रिज में रख दिए थे ताकि थोड़े ये सख्त हो जाएं। एक नई तरह की पुडिंग है, बहुत टेस्टी होती है। इसको आप गरम गरम वेनिला आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं और बग़ैर आइसक्रीम के भी खा सकते हैं। ये हमारा मिक्सचर है जो रेडी है, अब इसमें मैं डोनट्स को डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी डोनट से आप बना सकते हैं, केक डोनट से बना सकते हैं, क्रिस्पी क्रीम के डोनट से भी सिखाऊंगी मैं आपको पुडिंग बनाना। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी डोनट से। इस मिक्सचर को हम डाल देंगे बेकिंग डिश में। अवन मेरा प्री हीट है, 375 टेम्परेचर रखेंगे, 40 मिनट्स का टाइम लगाएंगे। के बाद जब आप पुडिंग को निकालेंगे तो टूथपिक डाल के देखें, अगर टूथपिक क्लीन निकल आए तो उसका मतलब है पुडिंग डन है। अगर पुडिंग कच्ची हो और ब्रेड आपके ऊपर से जल रही हो या डोनट्स जल रहे हो तो आप उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर सकते हैं। पुडिंग हमारी बेक हो गई है। बेक होने के बाद इसको हम पाउडर शुगर से डस्ट करेंगे। मैंने एक छन्ना लिया है, इसमें आइसिंग शुगर को डालेंगे और इसको हम डस्ट करेंगे।
अब मैं ये खा के बताऊंगी कैसी बनी है। इसको आप गरम गरम पुडिंग को आइसक्रीम के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। एक नया एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखें डोनट्स के साथ, बनाकर ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। यम्मी।